हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की और एक्सेस में खासतौर पर ऑटो नंबर की बात करेंगे। ये एक काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीज हो सकती है आपके भी लिए। तो चलिए यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप डेटाबेस का कोई भी नाम दे लीजिए, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको व्यू नजर आता है, तो बस व्यू पे जाइए और डिजाइन व्यू पर आ जाइए। जैसे डिजाइन व्यू पर आएंगे तो यहाँ पर माई टेबल के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, माई टेबल के नाम से सेव करते हैं। अब ये आईडी जो है ना, ये ऑटो नंबर आप रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ 2007 में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि 2016 में आप टेबल में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी सुविधा आपको दी गई है। एक डेटा टाइप मिलता है कैलकुलेशन डेटा टाइप, तो वहां पे आप जाकर के वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये 2007 है और 2007 में बड़ी दिक्कत होती है आपको, क्योंकि फॉर्म के बाद हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्वेरी तो हर एक वर्जन में बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर ये सुविधा आपको नहीं दी जाती है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको नहीं मिलता है, तो उसके वजह से दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर प्राइस आप करते हैं, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। और प्राइस करने के बाद जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करेंसी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट करना है, तो ये यूनिट कर दिया आपने, ठीक है। अब यूनिट क्या होगा, नंबर होगा, और नंबर में भी यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर इसको आप चाहे तो डबल बना सकते हैं, ठीक है, ताकि यहां पर पॉइंट में भी यूनिट एंटर हो सके, इसलिए डबल बना सकते हैं, तो ये डबल कर दिया है। और यहां पर अब क्या करना है, आपको टोटल करना है, तो टोटल यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी कैलकुलेशन का डेटा टाइप आपको नहीं मिलेगा, तो यहां पर जब जाएंगे ना तो देखिए, ये देखिए यहां पर कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि 2007 है, तो यहां पर आपको नंबर ही लेना होगा, तो नंबर ले लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें टैक्स वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो मैंने कई बार बताया है, जैसे मान लीजिए टैक्स यहाँ पे देना है, अब जीएसटी जो भी लगता हो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स कर दिया, तो टैक्स भी क्या होगा, नंबर डेटा टाइप होगा। इसको पॉइंट में जरूर रखिएगा, तो यहाँ से इसको पहले डबल बना लीजिए, तो पॉइंट में एंटर करने के लिए डबल बनाइए आप, ठीक है। और फिर यहाँ से ये दिया गया फॉर्मेट, तो फॉर्मेट यहाँ क्या रखना है, हमें परसेंटेज रखना है, क्या रखना है, फॉर्मेट परसेंटेज, तो ये परसेंटेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये परसेंटेज हो जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये टैक्स अमाउंट, अब टैक्स अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए वापस से वही नंबर डेटा टाइप आपको चूज करना होगा, क्योंकि दूसरी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे डबल जरूर बना लीजिएगा, तो ये डबल बना लेता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये सारी चीजें इस तरीके से डिस्प्ले होंगी, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑटो नंबर अपने आप आता जाएगा, ठीक है, ये बड़ी समस्या करता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा मैंने, या कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। देखिए यहाँ कीबोर्ड लिखा, इसकी प्राइस लिखी, ठीक है, यूनिट लिखा, टोटल यहाँ पे अपने आप तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर समस्या बढ़ जाती है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं कहाँ, क्वेरी में, क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। और क्वेरी कैसे बनानी है उसको दिखाता हूं, तो क्वेरी डिजाइन पे चलना है और यहां से इसको ऐड करवा लेना। ऐड जैसे ही करवाएंगे तो आप क्या गलती करते हैं कि सारे ही फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं, हमें ऑटो नंबर चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, टोटल, टैक्स और टैक्स अमाउंट, इन सारे चीजों को लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो टोटल देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कॉलन लगाइएगा और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, प्राइस इंटू यूनिट, ये हो गया प्राइस, बंद होगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यूनिट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ओके कर दीजिए, एक काम हो गया आपका। अब यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वापिस से यहाँ चलते हैं और यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले कॉलन लगा लीजिएगा, कॉलन लगा लिया, यहां पर टोटल के अंदर ही हमारा छिपा होगा क्या, टैक्स अमाउंट, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय टैक्स कर दीजिएगा, बस हो गया काम, इतना कर देने से काम हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा, ओके करने से टैक्स आ जाएगा। तो अभी यहां से रन पे क्लिक करने की बारी है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये टोटल आया हुआ है, यहां पे टैक्स हमने दिया नहीं है, तो यहां पे मान लीजिए टैक्स हम दे देते हैं 5%, ठीक है, तो ये 5% अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई भी ऑटो नंबर आया नहीं है, अपने आप नंबर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं माई टेबल माई क्यू कर देता हूँ, माई क्वेरी, ठीक है, तो ये कर दिया, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके लिए फॉर्म डिजाइन करना है, तो यहाँ से चल के फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं या फॉर्म विजिट पे जा सकते हैं, विजिट से चलते हैं, तो ये विजिट पे आए और यहाँ पे क्वेरी के हिसाब से सारी चीजें लेनी है, तो सारी चीजें ले लेते हैं, हमें सभी की जरूरत है सिवाय एक चीज के, वो हमने लिया ही नहीं है, वो क्या है, ऑटो नंबर, ऑटो नंबर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहां से आगे बढ़िए और फिर यहां से मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और फिर यहां से
फिर इस पे आइए, फॉर्म विजार्ड पे आइए, और फॉर्म विजार्ड पे आने के बाद इन सबको ले लीजिए, ठीक है। और लेने के बाद यहाँ पे आइए, और यहाँ पर हमें कॉलमर फॉर्म में ही डेटा चाहिए। अगर डेटा शीट फॉर्म में चाहिए तो डेटा शीट फॉर्म में ले सकते हैं, और यहाँ पर एस्पेक्ट ये कर देते हैं, और यहाँ से जाके मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और फिर फिनिश करेंगे। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर भी कॉम्बो बॉक्स आप बना सकते हैं, तो कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर बनाने कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे वापिस से जाएंगे कॉम्बो बॉक्स वाले पे, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे, बस काम हो गया है। ड्रैग करने पे तो आ ही जाएगा ये फाइंड रिकॉर्ड, इस पर टिक करके प्रोडक्ट नेम के बेस पे सर्च करना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से वन को हटा करके सिर्फ यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो बस ये हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब यहाँ से जाकर के इसको हमें क्या करना है, व्हाइट बना देना है, व्हाइट, ताकि ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। और यहाँ से थोड़ा साइज वगैरह बढ़ा लेंगे तो फायदा रहेगा, साइज बढ़ा लेते हैं इसकी। ये हो गया, यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से ये चलेंगे हम, ये हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए ये एकदम अच्छे से ये बन गया है, ठीक है ना। अब यहां पर जाना है और यहां से क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, छोटा कर लिया। अब थोड़ा इसको ड्रैग करके नीचे कर लेंगे, अब नीचे भी बटन बना सकते हैं, वही सेम काम, समझ गए। तो यहां से बटन बना सकते हैं, तो फिलहाल बटन नहीं बनाते, सीधा देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये फॉर्म कुछ इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे माउस किया तो सिर्फ माउस की डिटेल, ठीक है। यहाँ से चूज किया एलईडी मॉनिटर, सिर्फ एलईडी मॉनिटर की डिटेल, ठीक है। अब इसमें तमाम सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बटन वगैरह बनाने हो तो बटन बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फॉर्म को चूज करेंगे, और फॉर्म को चूज करने के बाद यहाँ पर हमें करना क्या होगा, ये देखिए ये अदर में जाकर के ये पॉपअप को यस करना होगा, ताकि ये इस तरीके से आ जाए। ये देखिए ये देखना है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर बड़ा आसान है। ये देखिए अब यहाँ पे कहीं भी ऑटो नंबर आपको नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हैं, ऑटो नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो उसको मैंने लिया ही नहीं क्वेरी के दौरान, तो आएगा कैसे, समझ गए।